हेलो गाइस, जय हिंद। और आपका हमारे चैनल में स्वागत है। देखिए, बात करते हैं आपकी यूपीएससी वैकेंसी के ऊपर। और सबसे पहले आज बात करेंगे कि अभी जो आपने सुना होगा कि अभी जो आपकी जिस कंपनी ने आपका यूपीएससी का एग्ज़ाम कराया वो सवालों के घेरे में है। उसके बाद में बात आती है कि क्या सर यूपीएससी का री एग्ज़ाम होगा, क्योंकि बहुत से लोग बता रहे हैं कि भाई अब पॉसिबिलिटी लग रही है यूपीएससी के री एग्ज़ाम की। देखिए, मैं हमेशा से आपको एक बात कहता आया हूँ कि यूपीएससी का री एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा वो मैं नहीं कह सकता आपसे, ठीक है ना, बिकॉज वो एक न्यायिक प्रक्रिया है। पर जैसे जैसे एविडेंस है, आपने देखा होगा बहुत से लोग गलती कर रहे हैं इसमें। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे पास में बहुत सारे बच्चों की इन्फॉर्मेशन है, पर जो गलती करी जा रही है ना, जो कुछ लोग हैं, जो आपके ग्रुप्स बने हैं यूपी, जैसे मान के चलो इन्वेस्टिगेशंस ग्रुप हैं, री एग्ज़ाम के नाम से कुछ ग्रुप बने हैं, तो उसमें कुछ लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे ही किसी के स्क्रीनशॉट्स वायरल हो रहे हैं उसके, मतलब जैसे आपने देखा होगा वीएलसी ऐप की मदद से कि जैसे वो गाड़ी में बैठ के एग्ज़ाम दे रहा है, बाहर दे रहा है, पूरा डेस्कटॉप दिख रहा है, सब चीज़ें दिख रही हैं और उसका फाइनल मेरिट में भी नाम है, ऐसे ऐसे लोगों के अपने हाईलाइट होने के लिए वो सोशल मीडिया पर उसको वायरल कर रहे हैं। उसके बाद हो क्या रहा है कि उस पर एक्शन लिया जा रहा है। होना ये चाहिए था कि वो एविडेंस सही लोगों के पास में पहुंचाने चाहिए थे आपके, आपको ये आप लोगों का काम था, वो एविडेंस कोर्ट में लगते और तब देखते आप क्या होता। अभी ऐसी बात नहीं है कि आज जैसे आज आपका, आपने देखा होगा आज एक लड़के का जो है स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है और वो लड़का फाइनल मेरिट में है और उसका बाहर से उसका एग्ज़ाम कराया गया, वो प्रॉपर सोशल मीडिया पर वायरल है। जो लोग केसेस लड़ रहे हैं, जैसे हम हो गए, जैसे और भी लोग हो गए, उनके पास में ऐसे 50 से 60 लोगों के एविडेंस हैं, पर हम लोगों ने कभी, आपने देखा होगा कि हमने कभी भी YouTube की कम्युनिटी पर नहीं डाला। तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपके पास में कोई ऐसा एविडेंस आ जाए कहीं से भी, क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये चीज़ें जो अब तक वायरल हो रही है, जैसे आपने देखा होगा कि अब भी इतने टाइम बाद ये सब वायरल हो रहा है। क्या वायरल हो रहा है कि जो बच्चा फाइनल मेरिट में है उसका प्रॉपर स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है, पूरे उसके डेस्कटॉप का वायरल हो रहा है, वो अटेम्प्ट दे रहा है क्वेश्चंस के और लगातार उसका रोल नंबर जब देख रहे हैं तो भाई वो फाइनल मेरिट में है। तो मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये एविडेंस अगर आप जल्दबाजी करके, मतलब आप अपना नाम चमकाने के लिए ग्रुप्स में डाल दे रहे हो हाईलाइट होने के लिए, उससे क्या हो रहा है कि इन पर एक्शन लिया जा रहा है। हमें क्या करना चाहिए था, यही एविडेंस आपके कोर्ट में पेश करने थे कि भाई ये लोग फाइनल मेरिट में हैं और ये ऐसा ऐसा इनका मामला है, तब आप देखिएगा क्या होगा। तो आप देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारे पास है ही नहीं कुछ, हकीकत ये है। देखिए, बहुत से सिलेक्टेड लोग, जो सिलेक्टेड लोग हैं या कुछ ऐसे लोग हैं जो एविडेंस की जो हैं बातें निकलवाना चाह रहे हैं। जैसे कल एक बात होती है, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। एक ग्रुप था, उसमें एक लड़का नाम, उसका लड़का आता है अभिशांत नाम का लड़का, अभिशांत नाम का एक लड़का आता है और वो उसमें डालता है कि भाई यूपीएससी का री एग्ज़ाम होगा 10 तारीख से। जैसे हमारी टीम ने उससे बात करी, हमने उससे बात करी तो हमने उससे पूछा कि आप कौन से डिपार्टमेंट से हो, तो उसने बताया कि मैं भर्ती बोर्ड से हूँ, फलाना फलाना इस पोस्ट पे हूँ। पूरी रिकॉर्डिंग है, बाकायदा उसके नाम की FIR हो चुकी है आज, ठीक है, क्योंकि वो बाद में क्या हुआ जब हमने उससे कहा कि भाई वो ऑन रिकॉर्ड है हमारे पास कि ये अगर आप चीज़ें फैला रहे हो झूठे रूप से तो आप पर भ्रामकता फैलाने का केस लगेगा कि आप ये बोल रहे हो कि मुझे भर्ती बोर्ड के अधिकारियों से पता चला है ये है, और आप खुद को एक डिपार्टमेंट का इंसान बता के कि मैं भर्ती बोर्ड में कर्मचारी हूँ और आप बोल रहे हो कि 10 सितंबर तक आपका भर्ती बोर्ड ये प्लानिंग कर रहा है कि आपका यूपीएससी की भर्ती कैंसिल हो जाएगी, तो ये सब भ्रामकताएँ अगर आप फैला रहे हो तो आप पर केस हो सकता है। जैसे ही हमने ये बात करी वो तुरंत के तुरंत भाग गया, उसने उस ग्रुप से मैसेज डिलीट कर दिया। हमें डाउट हुआ कि ये लड़का पक्का पक्का कुछ ना कुछ इसमें गड़बड़ है, उसका तुरंत का तुरंत प्रोफाइल का IP एड्रेस निकलवा लिया। IP एड्रेस निकल चुका था, उसके बाद में उसने क्या काम करा कि उसने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया। खैर, उसके नाम की अब FIR हो चुकी है, उस पर पुलिस एक्शन लेगी। सबसे बड़ी बात तो झूठ बोलने का, आइडेंटिटी आपका ये बताने का कि मैं किसी डिपार्टमेंट से हूँ, क्योंकि पूरी रिकॉर्डिंग है। उसने टेलीग्राम पर कॉल करी और सबसे बड़ी बात पता क्या है, वो मुझसे पूछता है कि प्रदीप भाई आपके पास में क्या एविडेंसेस हैं, क्या ये हैं क्या वो हैं। अब इतने पागल तो हम भी नहीं हैं कि बिल्कुल अपने जो भी एविडेंस हैं, क्योंकि ये बिल्कुल ये जब से दो चार जो हमारे लोग हैं लड़ने वाले साथी हैं उनकी चीज़ें वायरल हुई हैं, तब से ये बात तय हुई थी कि जब तक पूरी जान पहचान ना हो
तब तक किसी को कोई कुछ भी नहीं बताएगा, बात ये तय हुई थी, ठीक है ना। तो उसके बाद क्या होता है कि जैसे ही उसने मुझसे एविडेंस की बात करी, मैंने तुरंत से बात घुमा दी कि भाई हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है, कुछ नहीं है। क्योंकि उसका जो मेन मोटो था सिर्फ ये था कि कैसे भी इस इंसान को विश्वास में ला के, मुझे विश्वास में ला के पता किया जाए कि आप कोर्ट में किस प्रकार से चल रहे हो। मैंने सिर्फ उससे एक बात कही और जो मैं आज यहाँ पर भी कहता हूँ कि अगर निष्पक्ष मामला रहा तो भाई री एग्ज़ाम होगा, मैंने उसे सीधे की सीधी बोल दी। पर जब उसने कहा कि आपके पास में क्या एविडेंस है, मैंने उसको बोल दिया कि भाई मेरे पास में कोई एविडेंस नहीं है। और ये लोग यही चाहते हैं कि हम हमारा विश्वास जीते किसी, जैसे अभी परिहार जी के साथ में हुआ, वो उनकी पर्सनल लाइफ है अपनी, वो कुछ भी ड्रिंक कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है ना, पर उनको विश्वास में लेके उनके साथ में पी के उनकी वीडियो क्या नाम वायरल कर दी गई, और मेरे साथ मेरा तो कुछ बिगाड़ नहीं सकते वो। तो उन्होंने सोचा कि इस बंदे से, इसको विश्वास में लेकर इससे ये पता करो कि आपके पास में क्या एविडेंस है जो आप री एग्ज़ाम की बात कर रहे हो। भाई मैं आपको क्यों बताऊँ, एविडेंस मेरा इतना बड़ा यूट्यूब चैनल है, मैंने आज तक यूट्यूब पर भी नहीं बोला। फिलहाल उस बंदे के खिलाफ एफ आई आर दर्ज हो गई है और एक यूट्यूब वीडियो डली है, उसके प्रूफ में उसने बोला है कि हमारा आदमी था, पता नहीं कौन सा चैनल था, मेरे पास में एक दोस्त ने लिंक शेयर करा था उस वीडियो का, तो वो वीडियो भी एज ए प्रूफ हमने डाउनलोड करके वो बाकायदा स्क्रीन रिकॉर्ड करके, ताकि वो कल वीडियो डिलीट कर दे उसके बाद में, तो पूरा प्रूफ के साथ उसकी एफ आई आर करा दी गई है। वो वीडियो हमारे पास में आ चुकी है और उसमें भी उसने बोला था कि ये हमारा बंदा था जो भी था, और ये सब एक साजिश थी जैसा भी था। तो उसने जो जो बोला कि ये मैं इस डिपार्टमेंट का हूँ, ये हूँ, तो डिपार्टमेंट की भी छवि ख़राब हो रही है इसमें, और बाकायदा उत्तर प्रदेश सरकार का उसने आपको कर्मचारी बताया, पूरा का पूरा आईपी एड्रेस है, तो वो एक अलग चीज़ है, उस पर एक कार्रवाई होगी। पर मैं एक चीज़ बता रहा हूँ, जब हम इतना सतर्क है तो आप लोग क्यों नहीं सतर्क हो। देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, आप जितने भी एविडेंस ये सब वायरल करोगे ना, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, जितने भी एविडेंसेज हैं अगर इनको आप वायरल करोगे, ये आपके केस के लिए उतना ही खतरनाक रहेगा। हमारी तरह कह दो, अगर आपके पास कोई अनोन इंसान है बात करो, ठीक है, अगर उसको वो आपसे प्रूफ मांग रहा है, आपके पास है तो आप मना कर दो। आप उन लोगों को प्रूफ दो जो लोग कोर्ट में जा रहे हैं, जो कोर्ट की लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कि आप उन लोगों को प्रूफ दो जो जिनका स्थिति भी कुछ नहीं है, भले चाहे वो अनसिलेक्टेड हो चाहे कोई भी हो, क्योंकि विश्वास किसी पर नहीं कर सकते। जब से परिहार जी के साथ में वो कांड हुआ है ना, तब से भाई किसी का भी फ़ोन आता है, आप नॉर्मली, हम नॉर्मली बात करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं, ऐसी नहीं है कि फ़ोन नहीं उठाएंगे, नॉर्मली बातें होती हैं, पर बातें फिर एक लिमिटेड होती हैं। कोई मेरी ऑडियो रिकॉर्ड करके डाल दे कि भाई कल ये क्या कर रहा था, ये कि भाई इसके पास में ये प्रूफ है, उन लोगों को पहले ही पता चल जाएगा कि हम क्या क्या प्रूफ लगाने वाले हैं कोर्ट में, कल साला मतलब कल कुछ प्रॉब्लम हो जाए उसमें क्या होगा फिर आपका, वो पहले से उसका क्या नाम है, कहते हैं ना कि जैसे वायरस होता है उसका एक एंटीडोट होता है, तो उसका क्या नाम, जो उसका जो उसकी काट करने वाली चीज़ें हैं उनको पहले पता चल जाए कि हम ये सबूत लगा रहे हैं। तो ये लोग, इनको मैं सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जितने भी सोशल मीडिया के आप मेरे दोस्तों, देखो री एग्ज़ाम, मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि री एग्ज़ाम की मैं अपने मुँह से इसलिए नहीं कह सकता कि भाई ये एक न्यायिक मामला है, पर मैं आपको सिर्फ एक चीज़ कह सकता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए, आप अपनी पढ़ाई चालू कर दीजिए, किसी की बातों में ना आए। UPSI का जितना भी सिलेबस है, देखिए आपका मैथ्स हो गया, टोटल अर्थमेटिक है, एडवांस के एक दो चैप्टर हैं जैसे मेंसुरेशन वगैरह हो गए, रीजनिंग है, ठीक है ना, आपकी हिंदी है, ठीक है ना, आपकी GS है, और आपका क्या नाम संविधान है, संविधान थोड़ा सा ज़्यादा आता है, संविधान पॉलिटी, और आपकी नॉर्मल GS है, और सीधी सी बात है मूल विधि आप तब पढ़ लेना, भाई 2-3 महीने तो आपको टाइम मिलेगा ना, जैसे भी इसमें कुछ आपको बड़ी चीज़ें मिलती हैं, मान के चलो कोर्ट मैं आपको एक एजप्शन बता रहा हूँ कि मान के चलो कोर्ट कल बोल देता है कि भाई इसमें ये पाएगा आपका री एग्ज़ाम हो रहा है, तो ये थोड़ी है कि आपका कल ही एग्ज़ाम हो जाएगा, 2-3 महीने का टाइम और मैक्सिमम 4-5 महीने का टाइम भी लग सकता है। बट क्योंकि अगले से 2024 की स्टार्टिंग में इलेक्शन है, तो ये भर्ती 2023 दिसंबर तक, जो हमें पता है। देखिए कुछ लोग झूठी खबर फैला रहे थे कि ट्रेनिंग पर जा रहे हैं, PTC ये वाली, PTC में हमने बात करी, हमने खूब जितने भी PTs हैं, PTC हमने हर जगह बात करी कि भाई जो 9534 के दरोगा हैं, 9534 दरोगा, इनकी ट्रेनिंग के लिए आपके पास में कोई नोटिस वगैरह आया हो, कुछ बात हो, सब ने एक ही जवाब दिया है कि अभी हमारे पास में कोई डायरेक्शन नहीं है इन लोगों की ट्रेनिंग कराने की, अभी कहीं से कहीं तक आपका मेडिकल नहीं हो रहा है, कहीं से कहीं तक आपकी ट्रेनिंग नहीं हो रही है। आप यकीन मानिएगा, मान के चलो ये आप समझ लो कि कितना आपको मानना है, कोर्ट अगर कह देता है कि भाई री एग्ज़ाम होता है अक्टूबर नवंबर तक, क्योंकि अभी 1-2 महीना लगेगा जजमेंट आने में फाइनल, उसके बाद में क्या होगा भाई, इसी कंपनी से एग्ज़ाम थोड़ी करा लेंगे,
जो लोग कोर्ट गए हैं और वो जीतते हैं, तो कोर्ट को फिर एक चीज भी तो कहेंगे कि कोर्ट सरकार को डायरेक्शन दे कि इस कंपनी से ना एग्जाम कराया जाए, किसी और से कराया जाए। और किसी और का मतलब ये है कि सरकार को टेंडर दोबारा डालना पड़ेगा, दोबारा से एजेंसी चयन करने पड़ेगा एजेंसी की, और दोबारा से फिर तो टाइम लगेगा ना 4-5 महीने का। और क्योंकि ये जल्दी भी करना पड़ेगा, 2024 में इलेक्शन है, और जो सुनने में बात आ रही है, ये मैं ये नहीं कह रहा कि 100% कन्फर्म है, ये सुनने में ये बात आ रही है कि जो चीज़ें इन सिलेक्टेड लोगों ने फैलाई है कि भाई 10 तारीख से पहले पहले ये सब हो जाएगा, सुनने में ये आ रहा है कि ये हो सकता है, पर 10 तारीख से पहले नहीं, अक्टूबर नवंबर तक हो सकता है, और 2023 तक इसकी ट्रेन 2023 दिसंबर में इसका दोबारा से सब कुछ करा के ट्रेनिंग पे भेजने की तैयारी है। अभी सुनने में आ रहा है 100% नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि आप किसी भी लोगों का विश्वास मत करो, जो भी लोग आपके ग्रुप्स में जुड़े हैं, जितने भी लोग जुड़े हैं, किसी का कुछ विश्वास नहीं है कि भाई कौन कोई कौन कहाँ से आया है। सबसे पहली बात तो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए यूपीएसआई से रिलेटेड, कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, चैनल सब्सक्राइब कर दो, चैनल सब्सक्राइब कर दो, कुछ भी इन्फॉर्मेशन होगी मैं आपको बता दूंगा, आप किसी पर विश्वास मत करो। दूसरी बात, कोर्ट केस की मैं आपको क्यों बताऊँ, जो आपका 3737 है, 4581 है, ठीक है, ए पी सिंह जो सोनू सिंह जी वाली है, वाली का है, इनका 10 से 12 सितंबर के से पहले पहले इन तीनों की एक एक हियरिंग हो जाएगी, और 3737 वाले की रिजोनेंटर सबमिट हो जाएगा, उसकी फाइनल बहस होगी। फाइनल बहस का मतलब आप समझ रहे हो, तो चीज़ें बहुत नज़दीक चल रही हैं आपकी। हो सकता है कोर्ट उसमें बोल दे कि भाई जांच के आदेश दे दे, फिर जांच में टाइम लगेगा 2-3 महीने का, या फिर अभी और प्रक्रिया चल जाए। मेरा कहने का मतलब यह है, अभी धैर्य रखो। पर मैं एक चीज़ कहता हूँ, और एक चीज़ जो मैं 3 दिन से लगातार कह रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास में लगातार कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी आ रही हैं, मैं आपको बता नहीं सकता ओपन प्लॉट प्लेटफॉर्म पे, क्योंकि जो उल्टी चीज़ें हम कह रहे हैं कि भ्रामकता का आप पे लग जाएगा, लोग हमें कहेंगे फिर कि भाई अब आप क्या कर रहे हो। इसलिए मैं खुल के चीज़ें नहीं बोल रहा हूँ, बस आप समझदार हो, इशारों में समझ जाओ, सब 21 साल से ऊपर के हो, कि भाई अपनी पढ़ाई चालू कर दो, अपनी क्या कर दो, पढ़ाई चालू कर दो। पढ़ाई में तो कुछ नुकसान नहीं है, हम खुद पढ़ रहे हैं भाई, आप भी पढ़ना स्टार्ट कर दो। और जब मैं खुद पढ़ रहा हूँ तभी मैं आपको कह सकता हूँ कि आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दो, आपको कुछ गलत चीज़ तो नहीं कह रहे हम कि भाई आप वहाँ से जाके छलांग बिल्डिंग से छलांग से लगा के कूद जाओ, आपको पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, आप पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, सिर्फ मूल विधि को छोड़कर सब चीज़ रट डालिए। फिर ये मत कहना कि साहब 2 महीने मिले 3 महीने मिले, आपकी विजय निश्चित है, आपको किसी की बकवास में नहीं आना है, किसी की बातों में नहीं आना है। जितने भी ग्रुप्स हैं, ग्रुप्स में अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको लगता है कि यहाँ से इन्फॉर्मेशन मुझे मिलती है तो ठीक है, वरना आप लेफ्ट हो जाइए, क्योंकि टाइम बर्बाद हो रहा है, उससे अलावा कुछ नहीं। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। जितने भी और यूट्यूब चैनल्स हैं, जो लोग कोर्ट केसेस देख रहे हैं और उनके चैनल भी हैं, वे भी अपडेट देते हैं, वहाँ पर भी जाकर उनके चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो बस इन द एंड मैं यही कहूँगा, फालतू के चक्कर में कोई क्या कह रहा है क्या नहीं कह रहा आपको वहाँ पर नहीं पढ़ना है, आप सिर्फ चैनल से जुड़ जाओ। और दूसरी बात, अगर किसी को लगता है कि मैं मेरे पास, जैसे बहुत से लोग कह रहे हैं कि भाई ये कोई सुपर वूपर करके कोई ग्रुप बनाए, ये लोग सिर्फ बकैती के अलावा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ना ही मैंने कोर्ट केस के नाम पे चंदा लिया, ना ही मैंने किसी के साथ कुछ किया, ना ही मेरा कोई मतलब। मुख्य याची 650 की में मैं हूँ, 650 वाली याचिका में मुख्य याची हूँ, पर जो पैसा कलेक्ट हुआ है वो एग्ज़ाम क्रैकर वालों ने किया है, एग्ज़ाम क्रैकर वालों ने जो सारा पैसा गया उनके अकाउंट में गया। तो भाई अपन तो आज तक किसी से एक रुपया लिया ही नहीं यूपीएसआई कोर्ट केस के नाम पे, तो आप मुझे तो इस चीज़ में घसेड़ो ही मत, इन्फॉर्मेशन मुझे मिलेगी मैं आपको बता दूंगा। और देखो मैं तो सीधी सी बात है, मैं फालतू की बकवास तो करता नहीं हूँ, ना ही मैं ये कहने वाला हूँ कि ये वो, पर अगर आप होशियार हो कि आप टेलीग्राम किसी अननोन नंबर से बनाओगे और कुछ गलत चीज़ें भेज कर फिर आप उसको डिलीट कर दोगे, तो भाई एक आईपी एड्रेस नाम की भी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। तो आप कितना कहीं भी चले जाना, पढ़े लिखे आप हो, ठीक है, अगर आप सिलेक्टेड हो, आप चाहे फिर अपनी मेहनत से गए हो या चाहे कैसे भी गए हो, ठीक है, आप संयम बरतें। अगर कोर्ट से कुछ होना, देखो हमारे कहने से तो कुछ होगा नहीं, अगर आपको हमारी बातें बुरी लगती हैं तो आप वीडियो पे आना बंद कर दीजिए, सबसे पहली बात। तो दूसरी बात, मामला न्याय के अधीन है, न्यायिक समीक्षा में है, जो न्याय करेगा वो कोर्ट कहेगा, हम कुछ कह रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं है, उससे कुछ होगा भी नहीं, ठीक है। एक का तो अब जब भविष्य खराब हो ही जाएगा, उसके नाम पर तो हो ही गई, ठीक है। तो बेवजह किसी को उल्ट सुलट बोलना, भ्रामकताएँ फैलाना, थोड़ी सी उसमें कि भाई हमें ये हमें वो, फालतू की चीज़ें हैं। तो जितने लोग सिलेक्टेड हैं, मैं उनसे भी बड़ा भाई मान लो, छोटा भाई मान लो, ठीक है। अब तो शायद आपको मैं बुरा ही लगता हूँगा, बट एक चीज़ कह रहा हूँ,
फालतू की चीज़ों में ना पढ़ो भाई। अगर मान के चलो मैं भी कह रहा हूँ, मेरे कहने से हो भी क्या जाएगा, एक चीज़ बताओ आप, जो होगा वो न्यायिक समीक्षा के अंदर जो करेगा हाईकोर्ट करेगा, फिर आपको कीड़े क्यों दौड़ते हैं भाई, एक चीज़ बताइए आप। तो ऐसा मत करो भाई, उस जो लड़का था विशांत नाम का ये लड़का था, इससे पूछ लेना, अब दो चार दिन में जब घर पुलिस आएगी तब पता चल जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, आप फालतू की परेशान मत होइए और भ्रामकताओं से बचें, क्योंकि ये जो UPSI का मुद्दा है बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। कोई भी कुछ भी ग्रुप में कह रहा है, आपको वो वायल करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कुछ भी उल्टा सीधा बोलने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप सिलेक्टेड हो चाहे नॉन सिलेक्टेड हो, किसी को गाली गलौच मत करो, खासकर जो सिलेक्टेड लोग हैं उनको मैं कह रहा हूँ, आप किसी को गाली गलौच मत करो। आप अगर पढ़ के गए हो ना वहाँ पर, अगर आपने पढ़ के मेहनत से एग्ज़ाम निकाला है, तो आपको इतना विश्वास होना चाहिए कि कोर्ट के अधीन बात है, न्यायालय की बात है, हमारे कहने से कुछ नहीं होगा, जो कहेगा कोर्ट कहेगा, किसी को गलत मत बोलो बस। क्योंकि कोई अड़ियल दिमाग का अड़ियल बुद्धि का इंसान फंस गया आपको, बेवजह FIR होगी, फिर आपके घर वाले खुशामंद करते फिरेंगे, मतलब बहुत कुछ ख़राब हो जाता है। तो छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आगे आपकी मर्जी। इन दैन चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को थोड़ा शेयर कर देना, पढ़ना स्टार्ट कर दो। मैं फिर से कह रहा हूँ, किसी की बातों में आपके आने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप UP कॉन्स्टेबल की तैयारी कर रहे हो तो मैं आपको बता रहा हूँ, चक्षु पब्लिकेशन की ये गाइड बुक आती है, ठीक है जी, चक्षु पब्लिकेशन की ये गाइड बुक आती है, इसमें आपको सभी की सभी चीज़ें मिल जाएंगी। जैसे आपको हिंदी क्या हो गया, जैसे आपको हिंदी, GS, मैथ्स, रीजनिंग सब चीज़ें मिल जाएंगी आपको इसमें। ये देखिएगा, इसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हैं, आपको थ्योरी भी दे रखी है, MCQ में भी दे रखे हैं, 300 वास्तुनिष्ठ प्रश्न भी है, और आपको 2000 जो आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हुए हैं UP कॉन्स्टेबल में, उसके भी आपको यहाँ पे जो है पेपर मिल जाएगा, ताकि आप एक आइडिया लगा सको कि पहले पेपर कैसे आता था और हमें कैसे तैयारी करनी है। एक इनका ये आता है मॉक पेपर का, अगर आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं अच्छे से, ये भी इनका आता है। दोनों के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाइए खरीदिए। ये देखिएगा यहाँ पर, ये आपका प्रैक्टिस सेट हो गया, ये आपकी UP कॉन्स्टेबल की हिंदी की बुक आती है, मानसिक अभिरुचि की आती है, ये प्रैक्टिस सेट है, ये हिंदी की बुक है, सभी के सभी का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में है, जाइए और अच्छे से पढ़िए। UP कॉन्स्टेबल की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है, आपको मैं वीडियो बना के बता दूंगा। इन टाइम धन्यवाद, जय हिंद।